टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन सबसे नाटकीय भरा रहा। मैच में पहले दिन जहां दक्षिण अफ्रीकी टीम हावी रही, वहीं दूसरे दिन हार्दिक पांड्या ने मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। मैच में तीसरे दिन बारिश ने एक भी बॉल नहीं फेंकने दी, लेकिन चौथा दिन मैच में सबसे ज्यादा रोमांच लेकर आया। 65 रन पर 2 विकेट से आगे खेलने उतरी अफ्रीकी टीम का पूल लिंदा 130 रनों पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने बांध दिया। टीम इंडिया को जीत के लिए 208 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन पूरी भारतीय टीम 135 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में 72 रनों से हार गई। लगा कि टीम इंडिया इस मैच को अपने नाम कर ही लेगी, लेकिन पिक्चर बाकी थी। जब दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज पिच पर बॉलिंग करने उतरे तो उन्होंने इस पिच पर गेंदबाजी की नई परिभाषा लिख डाली। एक से बढ़कर सितारा बल्लेबाजों से सजी टीम इंडिया इस छोटे से लक्ष्य के पास भी नहीं पहुंच पाई। पूरी टीम मामूली स्कोर पर आउट हो गई। टीम के हार के 5 कारण। तेज पिचों पर फिर खुल गई पोल। घर में रनों का ढेर लगाने वाली टीम इंडिया के धुरंधर एक बार फिर से तेज पिच और कांटा बदलती गेंदों के सामने घुटने टेकते नजर आए। इसका उदाहरण पहली पारी में ही मिल गया था, जब टीम इंडिया ने 92 रनों पर 7 विकेट खो दिए। हालांकि हार्दिक पांड्या ने किसी तरह से टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर 99 रनों की साझेदारी की। तब टीम के ऊपर बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे। कोहली नहीं चले तो सब फेल। विदेशी धरती पर टीम ने वही कहानी दोहराई जो अक्सर दोहराई जाती है। टॉप का कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया। यहाँ एक बार फिर से सामने आया कि अगर ऊपरी क्रम में कोहली नहीं चले तो दूसरे बल्लेबाजों के बल्ले भी खामोश रहे। न पुजारा, न शिखर और न ही रोहित शर्मा, किसी ने भी टीम के लिए बड़ी पारी नहीं खेली। लगातार पाटा पिचों पर खेलने की कीमत चुकाई टीम इंडिया ने। लगातार घर में पाटा पिचों पर खेलने का कीमत अफ्रीका में चुकाई है, ये कहना गलत नहीं होगा। जब भी घर में थोड़ा सा परेशान करने वाली पिच मिली, टीम ढेर हो गई। उसने उन पिचों से सबक न लेते हुए फिर सपाट पिचों की मांग कर डाली। टीम को वहां तो जीत मिल गई, लेकिन अफ्रीकी धरती पर उसकी पोल खुल गई। क्या अजिंक्य रहाणे को बाहर करना पड़ा? भारी मैच से पहले ही कहा जा रहा था कि इस मैच में अजिंक्य रहाणे को शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन कप्तान कोहली ने फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा पर भरोसा जताया। लेकिन दोनों ही पारियों में रोहित शर्मा बहुत बुरी तरह से आउट हुए। विदेशी पिचों पर रहाणे का जैसा रिकॉर्ड रहा है, अब कोहली से मांग की जाएगी कि उन्हें अगले टेस्ट में शामिल करें। डू प्लेसिस की चतुराई से कराए स्पेल। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कई फैसलों पर यूं तो उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन उनके तेज गेंदबाजों ने इस कमी को पूरा कर दिया। पहली पारी में हार्दिक पांड्या के सामने भले उनकी चल पाए हो, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने टीम इंडिया को पानी पिला दिया। उनके सामने ये चुनौती थी कि वह अपने तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि उनके तेज गेंदबाज डेल स्टेन घायल होकर बाहर हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने दूसरी पारी में सिर्फ 3 गेंदबाजों के सहारे कमाल कर दिया। उन्होंने छोटे छोटे स्पेल कराए और पूरी टीम इंडिया को पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया।